भाई साहब, आप सभी को यकीन नहीं होगा, मुझे सिर्फ $1 में ये कैमरामैन का सूट मिला है और आज हम इसको पहनने वाले हैं और देखने वाले हैं इस कैमरामैन के सूट में, जो कि सिर्फ $1 का है, क्या क्या फीचर्स होंगे। गाइस, दिखने में तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है इसका सूट, खैर उसको हम साफ कर लेंगे। तो गाइस, मैं देखता हूँ मैं कितना हैंडसम लगूंगा जब इस कैमरामैन के सूट को पहनूंगा, लिटरली मैं बहुत मजा आएगा। ये गया मैं। ऑलराइट गाइस, अभी मैं यहाँ पे ना ऑल क्लियरली देख पा रहा हूँ, लगता है जैसे कि गाइस एकदम से हाई लेवल का कैमरा लग गया हो मेरे ऊपर। ओ माय गॉड, मैं ज़ूम भी कर सकता हूं। और गाइस देखिए, यहां पे एकदम भी ब्लर नहीं हो रही है इमेज, एकदम क्लियर आ रही है। बाकी हम क्या-क्या यहां पर फीचर्स यूज कर सकते हैं कैमरे का, बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे, मेरे सारे कैमरे बेकार हो चुके हैं, मुझे यहां पर कोई और कैमरा चाहिए। एक मिनट, मेरे घर पर कैमरामैन क्या कर रहा है? एक मिनट गाइस, ये सिंचन इतने सारे बेकार कैमरे क्यों लेकर आया है? अरे वाह, ये तो कितना बढ़िया कैमरा है। हेलो भाई, आप कौन है? अरे मैं फ्रैंकलिन हूं सिंचन, देख मैंने $1 में ये कैमरा मैन का सूट खरीदा है, तुझे पता है मैं उसकी पावर टेस्ट करने जा रहा हूं। ओह ऐसा, तो ये कैमरा मुझे दे दीजिए। क्या कह रहा है तू? ओह माय गॉड, मार दिया। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, आपका कैमरा तो खुद ही सूट से बाहर निकल गया। अभी काम करता हूं फ्रैंकलिन भैया, आप इसकी बॉडी को रख लीजिए, मैं कैमरा लेकर जाता हूं। नहीं सिंचन, तू तो मेरे कैमरामैन को बैंड बजा दिया। भाई प्लीज, नहीं मेरा कैमरा मत लेकर जा सिंचन। गाइस कोई प्लीज वीडियो लाइक करो, देखिए वो अपने टूटे-फूटे कैमरास में मेरे कैमरे को भी जोड़ दिया है और पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। फिर मिलते हैं फ्रैंकलिन भैया। नहीं गाइस, मुझे पता करना पड़ेगा कि सिंचन ने ऐसा क्यों किया, मेरे कैमरामैन के सूट को क्यों तोड़ दिया। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। सिंचन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरा कैमरा वापस कर, मैं अपने कैमरामैन को अपग्रेड करने वाला था। आपकी बस की नहीं है फ्रैंकलिन भैया। गाइस मैं ना यहाँ पर अपना कैमरा लेके रहूंगा, मैं काम करता हूँ सिंचन के सारे कैमरे चुरा लेता हूँ। सिंचन तू यहाँ पर ट्रक रोकता है, मैं तेरे को पीटूं। गाइस ये सिंचन है कहाँ? फ्रैंकलिन भैया सामने से थे, वरना आपको ठोक कर चला जाऊंगा। ये लीजिए, मार दिया। सिंचन तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल करूंगा, हाँ मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ा कैमरामैन जो बनना है। एक मिनट गाइस, उसने लास्ट में क्या किया? सिंचन सुन तो। गाइस वो कहाँ चला गया उड़कर के साथ से, मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। गाइस वो लास्ट में ऐसा कुछ कह रहा था कि उसको बड़ा कैमरामैन बनना है, वो कैसे बन सकता है टूटे फूटे कैमरा से कैमरामैन? ओ माय गॉड, ये कहाँ पर आ गया? अरे बाप रे, ये तो बिना हेड वाले खतरनाक जायंट सूट्स हैं। और ये देखिए गाइस, सिंचन के जितने भी कैमरास थे उसके ट्रक में। जल्दी बताइए डॉक्टर मिक्सिट भैया, मेरे कैमरा क्या आप कर पाएंगे काम या नहीं? अरे बच्चे, उसके लिए तेरे को बहुत बड़ा कैमरा चाहिएगा, अगर तुझे दुनिया का सबसे बड़ा ही खतरनाक कैमरामैन बनना है। अगर तेरे को छोटा कैमरामैन बनना है तो ये वाली बॉडी चलेगी। व्हाट, यहाँ पर मतलब हम कैमरे को अटैच कर सकते हैं इन बॉडीज में और उनको कैमरामैन बना सकते हैं? और बच्चे ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये बॉडी और भी बढ़िया है, लेकिन ये बहुत ही महंगी है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताइए? इन सारी बॉडीज को बनाया गया है स्पीकर के लिए, ना कि कैमरा के लिए। अगर तुझे यहाँ पर कैमरा फिट करना है तो सिर्फ एक ही बॉडी मिलेगी, जो कि ये लास्ट वाली बच्ची है, बड़ी वाली, पता तेरे को मंजूर है तो। ठीक है, मुझे गोल्डन वाली बॉडी दे दीजिए और मेरे सारे कैमरे ले लीजिए और मेरे लिए एक बड़ा वाला कैमरा बना दीजिए, जिससे कि यहाँ पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा कैमरामैन बन जाऊँ। और गाइस सिंचन यहाँ पर गोल्डन कैमरामैन बन रहा है, इन सभी कैमरास का इस्तेमाल करें तो अभी इसने मेरा कैमरा चुराया और बाकी के कैमरे भी। एक मिनट, इसका कैमरा कहाँ गायब हो गया? अरे बाप रे, मेरे कैमरे तो गायब हो गए। अरे बच्चे, तेरा कैमरामैन रेडी है? अरे वाह, मेरा कैमरामैन का सूट तो रेडी है। फ्रैंकलिन भैया बढ़िया है, मुझसे जलने वाले, अब तो मैं दुनिया का बेस्ट कैमरामैन बन गया हूँ। ओह नो गाइस, एक लास्ट सूट बता था कैमरा का, वो भी सिंचन ने ले लिया, वो भी गोल्डन कैमरामैन बन गया। ये सिंचन, इसने बहुत ज्यादा गलत किया है हमारे साथ। अब चलो जल्दी चलते हैं, पूरी दुनिया के सामने अपने फीचर्स दिखाते हैं। मैं तो यहाँ पे टेलीपोर्ट भी हो सकता हूँ और आग भी लगा सकता हूँ और सोना भी बना सकता हूँ। व्हाट, एक मिनट, ओह माय गॉड, सिंचन ने अपने कैमरे से फोटो खींचा किसी चीज का और वो सब सोने बदल गई। मेरे पास तो कमाल का फिल्टर है, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर कैमरामैन बन जाऊंगा। ओहो मजा आ गया, चलो काम करते हैं और खतरनाक चीज ट्राई करते हैं। एक मिनट, बाप रे, इसने आग भी लगा ली। ये कह तो रहा था ये यहाँ पर फायर फिल्टर का इस्तेमाल करके फायर भी लगा सकता है। गाइस ये कैमरामैन का सूट मेरे पास होना चाहिए था, सिंचन ने मुझसे मेरा कैमरा छीना है, मैं तुझे देख लूंगा सिंचन। मेरे पास एक आइडिया गाइस, मैं अब कैमरामैन नहीं, मैं बनूंगा अब स्पीकरमैन और इस सिंचन को हरा कर रहूंगा। जल्दी जाते हैं और जाकर एक छोटा सा स्पीकरमैन का सूट ले लेते हैं, हालांकि उस पर स्पीकर भी लगेगा, मैं स्पीकर भी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा। अरे बाप रे, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूं? अरे बच्चे, तू यहां पर ट्रेसपासिंग क्यों कर रहा है? ओह नो, मिक्सर खड़ा है। मिक्सर सर, प्लीज यहां पर मुझे स्पीकरमैन बना देके दे दीजिए। अरे बच्चे, उसके लिए स्पीकर लगता है? मेरे पास स्पीकर तो नहीं है, एक कैमरामैन का सूट था वो भी सिंचन ले गया। तू मुझे अपनी दुखड़ी कहानी में सुना, सिर्फ स्पीकर लेकर आ तभी यहां पर मैं तेरे को उसके कंपैटिबल वाला सूट दे सकता हूं। अरे गाइस ये मिक्सर तो मान ही रहा है आइडिया, मैं उसको बेहोश करके इसके सारे सूट चुरा लेता हूं। ये ले मिक्सर, मेरे पास बोला ना स्पीकर नहीं है, मुझे ढूंढने पड़ेंगे। अरे बच्चा तू मेरे को मारता है, रुक तेरे को बताता हूं, अभी पुलिस बुलाता हूं। अरे सॉरी मिक्सर। अच्छा ठीक है, बताइए क्या करना पड़ेगा मेरे को स्पीकरमैन बनने के लिए? जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा स्पीकर ला, छोटा लाया तो छोटा स्पीकरमैन बनेगा, बड़ा लाया तो बड़ा स्पीकरमैन बनेगा, लेकिन खाली आता है तो यहां पे मरेगा। अच्छा
ठीक है, समझ गया, सॉरी, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक तो आपने मेरी बात नहीं सुनी, सिंचन ने मेरा कैमरामैन का सूट चुरा लिया। अरे कोई बचाओ। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं तेरे को बचा देता हूँ, वरना तेरे को खत्म कर देता बच्चे। लास्ट चांस है, जल्दी जा और स्पीकर लेकर आ। ठीक है जा रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, मिक्सिट ने तो अच्छी खासी वाली धुलाई कर दी मेरी। दोस्तों मुझे जल्दी जाना होगा, और कोई टूटा फूटा सा स्पीकर। व्हाट, एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पर मुझे एक 3 बेस वाला छोटा सा स्पीकर मिल गया है, शायद ये काम कर जाए। डॉक्टर मिक्सिट, अरे बच्चे फिर से पिटने आ गया क्या? तो नहीं, मैं पिटने नहीं आया हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर एक स्पीकर मिल गया है, हालांकि ये छोटा ही है। क्या मुझे इससे जायंट स्पीकर में बन सकता हूँ? एक बार मेरे को देखने दे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही छोटा स्पीकर है, इतने में तो तू बिल्कुल छोटा वाला स्पीकर मैन बनेगा। स्पीकर मैन भी नहीं, तू स्पीकर किट बनेगा। स्पीकर किट, अच्छा चलो ठीक है, जो बन जाए वो बना दीजिए। देखें तो सही गाइस, यहाँ पे डॉक्टर मिक्सिट कौन सा स्पीकर किट बनाएगा? एक मिनट, व्हाट, अरे इससे बढ़िया तो मेरी बॉडी पे सेट कर देते स्पीकर को। नहीं बच्चे, ये इसी के लिए इम्पोर्टेबल है, लेकिन हाँ तू इस स्पीकर का इस्तेमाल कर सकता है, दूर दूर के साउंड सुन सकता है। ओ तो तब भी है, समझू कि यहाँ पर मेरी बॉडी पे फिट ना करके मिक्सिट ने इस पर क्यों फिट किया? एक मिनट गाइस, मुझे दूर से साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही हो। ओ भाई साहब, अरे कोई बचा है, उसके बड़े तुम सब मरने वाले हो। अरे हमें कोई बचा लो, अरे हमको कोई बचा लो, ये स्किबरी टॉयलेट गॉड हमको मार देगा। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पर साउंड आ रहा है, बहुत सारे लोगों को जाल में बंद कर रखा है स्किबरी टॉयलेट गॉड ने, और वो उनके ऊपर बहुत खतरनाक चीज फेंकने वाला है जिससे उन सबकी मौत हो जाएगी। स्किबड़े मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं गाइस, मुझे इस स्किबरी गॉड की बैंड बजानी पड़ेगी, लेकिन यार ये तो बहुत बड़ा है आइडिया, मैं यहाँ पर अपने साउंड की मदद से जाल तोड़ देता हूँ। ये ले गाइस, मेरे साउंड में एक कैपेबिलिटी है कि मैं कहीं का भी सुन सकता हूँ, लेकिन मेरे स्पीकर सब इतने पावरफुल नहीं है कि यहाँ पर इन खतरनाक साउंड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके इन जाल को तोड़ पाए। अरे बच्ची तू चला जा यहाँ से, ये तुझे भी मार देगा। स्किबड़े तू यहाँ पर आया है, रुक तेरी बैंड बजाता हूँ। अरे छोड़ मेरे को स्किबड़ी, मैं तेरी बैंड बजाया। अरे बहुत बुरा मारा। स्किबड़े अभी और मारूंगा तेरे को। स्किबड़े अरे गाइस, कोई प्लीज वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब, देखना जब मैं बड़ा वाला स्पीकर मैन बनूंगा तुझे छोड़ूंगा। अरे गाइस ये क्या, मुझे तो बहुत जोर से लग गई। एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा बड़ा स्पीकर मैन होता ना। एक मिनट, व्हाट, कोई बचाओ मुझे, ये क्या हो गया, मुझे यहाँ पर लटका किसने दिया? कोई है, मेरी मदद करो। अरे नहीं, मेरे तो हाथ भी नहीं जा रहे वहां तक, मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है गाइस, मैं यहाँ पर अपने स्पीकर्स का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं यहाँ पर एनर्जी लाऊंगा अपने साउंड स्पीकर्स में, और इतना खतरनाक एक्सप्लोजन करूंगा जिससे कि ये रस्सी टूट जाए। कम ऑन फ्रैंकलिन, तू कर सा, ये क्या साउंड एक्सप्लोजन, वाह, मैंने यहाँ पर इतने छोटे स्पीकर का इस्तेमाल करके साउंड एक्सप्लोजन कर लिया, क्या बात है गाइस। एक मिनट दोस्तों, सामने एक मिनट, इतने बड़े बड़े स्पीकर्स, अरे गाइस ये तो शायद मुझे बड़ा वाला स्पीकर मैन बना देंगे, शायद मैं सिंचन के लेवल का स्पीकर मैन बन जाऊं और सिंचन से भी खतरनाक बन जाऊं। अरे बच्चे ये क्या लेकर आया तो? अरे डॉक्टर मिक्सर, इस बार मैं बहुत ही बड़ा स्पीकर लेकर आया हूं, प्लीज इसका इस्तेमाल करके मुझे जायंट बनाइए जिससे कि मैं यहां पर उन इंसानों को स्किबरी टॉयलेट से बचा पाऊं। ठीक है बच्चे, इस बार तू रियल वाइट स्पीकर मैन बनेगा। क्या, सिर्फ इतनी छोटी बॉडी? लेकिन गाइस हेड देखिए, इतनी छोटी बॉडी का इतना बड़ा। अरे बच्चे चिंता मत कर, इसकी अद्भुत पावर तुझे पागल कर देंगी। ओ तो इसमें हमें कुछ नई पावर्स मिलेंगी, चलो गाइस जरा पहन कर देंगे। ओके गाइस, अब मैं पहले से ज्यादा साफ सुन पा रहा हूं दूर का। ओ माय गॉड, मेरे पास साउंड स्पीड है गाइस, डॉक्टर मिक्सिट सही कह रहा था गाइस, क्या खतरनाक साउंड स्पीड से दौड़ पा रहा हूं मैं, ये तो बहुत ही ऑसम कमाल का सूट निकला गाइस। चलो एक काम करते हैं, अब जल्दी से उस रेड स्किबिडी की बैंड बजाते हैं। स्किबड़े गाइस, अब मैं यहां पर एक साउंड स्पीड रोटेशन करने वाला हूं, कहने का मतलब इतनी तेजी से घूमूंगा कि मेरे आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगी। और स्किबड़े ये क्या कर दिया? अरे वाह, ये बच्चा तो कमाल है। अरे वाह बच्चे, तूने कमाल कर दिया। और ये लो गाइस, ये है मेरी साउंड वाइट स्पीड रेस। गाइस क्या बात है, क्या खतरनाक खतरनाक मोड आ गया मेरे पास। अरे वाह बच्चे, थैंक यू सो मच, चलो जल्दी घर चलते हैं। अरे शुक्रिया बच्चे, तूने हमको बचाया। गाइस मैंने यहाँ पर एक सुपर हीरो का काम किया और बेस्ट स्पीकर मैन बनके सबको बचाया। चलो गाइस अब जल्दी चलते हैं। अरे वाह क्या खतरनाक पावर्स है गाइस, ये मैंने नई वाली पावर डिस्कवर की है, क्या पता मैं यहाँ पर साउंड की स्पीड का इस्तेमाल करके और साउंड की रेस का इस्तेमाल करके हवा में भी उड़ सकूं। ट्राई करते हैं गाइस। ये देखिए मेरा साउंड एक्सप्लोजन अब एक साथ 50 गाड़ियों को ब्लास्ट कर सकता है, बस यहाँ पर उड़ नहीं पा रहा हूं मैं। खैर दोस्तों हम यहाँ पर उड़ने का भी ट्राई करते हैं। मर गया, अरे बचाओ कोई है, अरे बाप रे मुझे आग लग गई। ये कौन कर रहा है मेरे साथ, कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने मेरे स्पीकर्स में बॉम्ब लगा दिए हैं, कोई बचाओ मुझे। एक मिनट,
ये तो मेरा वार्डरोब है, मैं अपने घर क्या कर रहा हूँ? नहीं ये क्या, मुझे किसने लटका रखा है? एक मिनट, कहीं गाइस ये सिंचन तो नहीं है? नहीं यार, सिंचन ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ? अरे फ्रैंकलिन भैया कैसे हैं? आपको क्या लगा मैं आपको अपने आप से बड़ा स्पीकर मैन बनने दूंगा? मैं दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा मैन हूँ और अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर मैन भी बनूंगा। नहीं सिंचन, तू ऐसा नहीं कर सकता, अपने भाई के साथ तू ऐसा नहीं कर सकता। मेरा स्पीकर मैन का सूट कहाँ है बता सिंचन? मैं उसको बेचने जा रहा हूँ, उससे के लिए मैं दुनिया का और बड़ा कैमरा मैन का सूट लाऊंगा। कैसे? मैंने खुद को तो छुड़ा लिया, मुझे जल्दी सिंचन को रोकना पड़ेगा। यार मेरा स्पीकर मैन का सूट उसने छीन लिया, मैंने इतनी मेहनत से उसको बनवाया था डॉक्टर मिक्सर से। जल्दी चलता हूँ। सिंचन तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऊपर देखिए गाइस, यहाँ पर ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, अब मैं यहाँ पर आपके स्पीकर मैन के सूट को बेचकर एक नया स्पीकर मैन का सूट खरीदूंगा। व्हाट, तू कैमरा मैन बनेगा या स्पीकर मैन, पहले ये तो बता। मैं दोनों बनूंगा। हाँ ये देखिए कितना बड़ा स्पीकर है मेरे पास, मैं इसकी बॉडी अटैच करवाऊंगा। हाँ ओ माय गॉड गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। मैं यहाँ पर ना सिंचन को हराने के लिए इसी का स्पीकर चुरा लूंगा, और उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने स्पीकर में जाना पड़ेगा, बस ये मुझे देख न ले। ऑलराइट फ्रैंकलिन भैया, आप यही है या फिर नीचे? नहीं नहीं मैं नीचे से ही बोल रहा हूँ, वार्डरोब में फंसा पड़ा हूँ मैं। ठीक है तो वहीं रहिए। इस बेवकूफ को पता ही नहीं है, हैं ये सूट कैसे चल रहा है? क्योंकि मैं ऑलराइट गाइस, मैं अपनी साउंड स्पीड का इस्तेमाल करके देखिए कितनी तेजी से इस खतरनाक सिंचन के स्पीकर को लेकर भाग रहा हूँ। जल्दी से डॉक्टर मिक्सर के पास चलते हैं और सिंचन से भी बड़ा स्पीकर मैन बनते हैं। ऑलराइट और अब अच्छा ये क्या लिया? तो सर मेरे पास इस बार जायंट से भी बड़े जायंट स्पीकर है, इस बार प्लीज मुझे वो जायंट वाला ब्लैक स्पीकर मैन बना दीजिए। और अब अच्छा इतने में तो जायंट ब्लैक तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ जायंट गोल्डन स्पीकर मैन जरूर बन जाएगा। गाइस गोल्डन स्पीकर भी कुछ ज्यादा छोटा नहीं है भाई, मुझसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट माय न्यू सूट, ये बहुत ऑसम लग रहा है ना? लग रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। ऑलराइट गाइस, अब मैं सिंचन को नहीं छोड़ूंगा, चलो सिंचन के पास चलते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर कैमरामैन ज्यादा पावरफुल है या फिर स्पीकर मैन। फ्रैंकलिन भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? एक मिनट गाइस, सिंचन की आवाज तो और जी रहा सिंचन, मैं आपको कैमरा से दूर तक देख सकता हूं। हां चुपचाप ये स्पीकर मुझे दे दीजिए। नहीं दूंगा तो क्या करेगा? मैं यहां पर आप में ना आग लगा दूंगा अपने फायर फिल्टर का इस्तेमाल करके। अब तू मुझ में आग नहीं लगा सकता, समझा सिंचन? मैं तुझसे बड़ा हूं। नहीं मैं आपसे बड़ा हूं। अरे गाइस मेरी बॉडी वैसे सिंचन से छोटी है, पर हेड बड़ा है। ये लगाया मैंने फायर फिल्टर, ये लगाया, अरे बाप रे जला दिया। पूरी दुनिया कैमरामैन को पसंद करती है। नहीं गाइस आप मुझे पसंद कीजिए, आप कमेंट में ना स्पीकर मैन ओपी लिखिए। नहीं गाइस आप कैमरामैन ओपी लिखिए। रुकिए फ्रैंकी भैया, अभी आपको यहां से गायब करके ऊपर भेजता हूं। नहीं नहीं ना, अरे पूरा घुमा दिया। फ्रैंकी भैया ऊपर जाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं सिंचन, प्लीज मुझे मुझे घुमा मत, मैं मेरा सर चकरा रहा है। अरे बाप रे कहां भेज दिया? फ्रैंकी भैया की बहन बचा गई। सिंचन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस बहुत हो गया, अब मैं यहां पर अपनी साउंड की स्ट्रेंथ यूज करने वाला हूं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये मेरी नई सुपर पावर होगी जो मुझे इस नए सूट में मिली है। मैं अपने साउंड की ताकत से सिंचन को हरा दूंगा। सिंचन कहां पर गया तू? ये पकड़ा तुझे, अरे ये ले। एक मिनट गाइस, ये सिंचन बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। सिंचन आजा लड़ मुझसे। हैं गाइस सिंचन का सूट कुछ कर भी नहीं रहा, ये ले। खैर मुझे क्या, मैं तो यहां पर सिंचन के बीच गोल्डन कैमरामैन के सूट की बैंड बजा दूंगा। गाइस मुझे लग रहा है इसके अंदर सिंचन था ही नहीं, तो सिंचन गया कहां? जरूर सिंचन कुछ गड़बड़ करने गया होगा। अजी फ्रैंकी भैया का तो मैंने उल्लू बना दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर तो मेरे पास अभी भी है। चलो डॉक्टर मिक्सर के पास चलते हैं और ब्लैक स्पीकर मैन बनते हैं दुनिया के सबसे बड़े। ओ तो सिंचन बनना चाहता है दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक स्पीकर मैन, इसलिए इसने मेरा उल्लू बनाया, इसने कैमरामैन से मेरे की फाइट कराई जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। निकल यहां से सिंचन। अरे बाप रे, हां फ्रैंकी भैया आप यहां कैसे आ गए? ऑलराइट गाइस, ये वाला जो स्पीकर है ना ये ब्लैक है एकदम, और साथ साथ में गाइस ये मेरे जायंट ब्लैक स्पीकर मैन की बॉडी पे फिट भी हो जाएगा। और अब अच्छे ये तो कुछ खतरनाक स्पीकर है, मैंने आज से पहले ऐसा स्पीकर नहीं देखा, अब समय आ गया तेरे को दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक स्पीकर मैन बनाने का। ऑलराइट गाइस जस्ट लुक एट माय न्यू सूट, और मेरा पिछले वाले को देखिए भाई कितना छोटा लग रहा था मैं उसके सामने, और मेरा नया सूट कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। गाइस अगर आपको मेरा नया सूट अच्छा लगा तो कमेंट में रेटिंग जरूर देना, और हां स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ना वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।